असम में इस साल आई बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। वहीं एक महीने के भीतर लगातार दो बार आई इस भयंकर बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बहुत प्रभावित किया। बाढ़ से भले ही हजारों लोगों की मौत ना हुई हो, लेकिन यह भी सच है कि इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। हमने देखा कि कैसे कुछ घंटों के भीतर कई घर तबाह हो गए, कैसे बाढ़ के कारण पशुओं को नुकसान पहुंचा और कैसे लोगों के रखे धान बर्बाद हो गए। आपको बता दें कि यह बाढ़ हाल के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ों में से एक है। अहम पहलू यह है कि जिन जगहों पर कभी बाढ़ का पानी नहीं देखा गया, इस साल वहां भी बाढ़ आई है। उदाहरण के तौर पर दरंग कमरूप बॉर्डर के आसपास कुछ गांव पानी में डूब गए, जहां हाल के इतिहास में कभी बाढ़ के बारे में सुना तक नहीं था। ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक पर असम का पूरा लोअर डिवीजन नागांव से लेकर कोकराझार तक पानी में डूब गया। शायद ही ऐसा कोई गांव बचा हो जहां बाढ़ का कहर नहीं देखा गया हो। बराक घाटी की सिलचर जैसी जगहों पर भीषण बाढ़ आई है, जिसका नतीजा यह रहा कि बराक घाटी के आसपास सभी डिस्ट्रिक्ट्स जलमग्न हो गए। वैसे तो बाढ़ग्रस्त गांव में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान और चिंता यह है कि बाढ़ के पानी के कारण घरों के नीचे की मिट्टी 20 फीट तक धस गई, जिसके चलते कई ग्रामीण बेघर हुए हैं। हमने न्यूज क्लिक के लिए असम से रिपोर्ट कर रहे संदीपन से बात की और बाढ़ के कुछ मुख्य कारण समझने की कोशिश की है। असम का जो फ्लड है, उस फ्लड के अगर कारणों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत हद तक असम की भौगोलिक जो स्थिति है, उसका जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ब्रह्मपुत्र वैली और बोराक वैली दो वैलीज है असम में। ऊपर की साइड में आपका भूटान और अरुणाचल से जितनी भी नदियाँ आती है ट्रिब्यूटरीज, वो आके फाइनली ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और फिर उस तरफ अगर ब्रह्मपुत्र वैली के साउथ की तरफ अगर हम देखेंगे तो उधर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर उधर बोराइल रेंज है डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। इन सारे पहाड़ों से जो नदियाँ आती है वो फिर ब्रह्मपुत्र की तरफ होके आती है, और ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों से सभी नदियाँ और सहायक नदियाँ असम में बहती है, जो बाढ़ का एक कारण बनता है। इन फ्लड्स के लगातार हर साल आने के पीछे की वजह 1950 में आए एक बड़े भूकंप से भी जुड़ी है। रिसर्चर्स जो कहते हैं कि 1950 का जो बड़ा भूकंप हुआ था असम, वो बहुत दबाही वाला भूकंप था। उस दबाही वाला भूकंप ने असम का बहुत सारे इलाकों का ज्योग्राफिकल चेंजेस भी लेके आए थे, और उसके साथ साथ कहा जाता है कि आपका ब्रह्मपुत्र का जो रिवर बेड है, रिवर बेड भी ऊपर की तरफ खिसक के आ गया था। और उसके साथ साथ सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, बहुत सारे और नदियों का भी आपका कोर्सेस चेंज हुए। तो 1950 के बाद एक फिजिबली एक फ्लड का कैरेक्टर चेंज असम में दिखने के लिए मिलता है। लोगों के बढ़ती ज़रूरतें और उनका रहन सहन भी बड़ा कारण। हाँ, जनता ने अपनी सुविधा के अनुसार डीफॉरेस्टेशन किया, फिर पहाड़ को काटा गया, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी होने लगे हैं, जिसके कारण आपका डीफॉरेस्टेशन मैसिव स्केल में हो रहा है। फिर माइंडलेस तरीके से बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ों को काट दिया जाता है, पहाड़ों का स्लोप्स काट दिए जाते हैं। रेलवे लाइन बनाया गया था डिमा हसाओ में, जो एकदम बहुत सारे पहाड़ चीड़ फाड़ के उस लाइन को बना के लेके गया था। 4-लेन हाईवे बनाया असम के बीचों बीच, जो बहुत ऊंचा कर दिया, लेकिन उसके नीचे से जो वाटर इनफ्लोस के मतलब पानी इधर से उधर जाने के जो वो रहते थे, सुरंग रहते थे, वो सब बहुत हद तक फिलअप कर दिया गया। तो एक आध अगर खुला रखेंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और रोड फिर तहस नहस हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ अभी सामने उभर के आया वो है डैम्स। अरुणाचल में काफ़ी सारा डैम बनाया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण। एक विवाद था बिग डैम के लोअर सुबनसिरी में, वो अभी कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है और अभी शायद वो भी फंक्शनल भी हो जाएगा। तो ये सारे डैम जितने भी प्रोजेक्टेड डैम्स है, वो अगर सारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है और चालू हो जाता है, फिर उस डैम्स में से आपका पानी जब छोड़ा जाएगा, वो एडिशनल पानी, सिर्फ पानी आता ही नहीं है उस डैम में से, जब पानी छोड़ा जाता है वो पानी बहुत फोर्सफुली नीचे की तरफ आता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि सारे नदियाँ आपका अरुणाचल और भूटान से ब्रह्मपुत्र की तरफ ही आता है, असम में ही आता है, और बीच में जितने भी एरिया
आपको मिलेगा वो पूरा आपका तहस नहस करके आएगा। इस साल निचले असम में भूटान के डैम से पानी छोड़ा गया। निचले असम डिवीजन में भूटान से जुड़ी नदियां निकलती हैं, कुछ भारत भूटान सीमाओं के पहाड़ियों से भी निकलती हैं। आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने भूटान को बांध बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी थी, जो इस त्रासदी को रोकने के लिए नाकाफी है। यही कारण है कि भूटान की ओर से छोड़े जा रहे अतिरिक्त पानी के कारण तबाही मची हुई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी मुआवजा जरूरत के हिसाब से बेहद कम है, क्योंकि अगर सरकार को वाकई बाढ़ पीड़ितों की चिंता हो तो कम से कम उन्हें अपना घर फिर से बनाने के लिए एक बड़ी रकम देने की जरूरत है। अगर सरकार वास्तव में असम बाढ़ के बारे में गंभीर है तो सरकार को ऊपर की ओर बांधों पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। साथ ही साथ असम के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली पर ध्यान देना, ग्रामीणों को बाढ़ से बचने के लिए सही ट्रेनिंग और सालों से असम में रह रही कम्युनिटीज से सही राय लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है।